हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन की। देखिए, तीन तरह के कोलिजन होता है। एक होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे हम पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो देखिए, सपोज हमारे पास ये टू बॉल्स है, ए एंड बी। अब ये दोनों बॉल्स में इसका वेलोसिटी यू वन है, इसका वेलोसिटी यू टू है। तो इफ यू वन वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज ग्रेटर देन U2, यानी कि B जो बॉल है उसकी वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, तो ये कोलाइड करेगी। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि दोज कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। समझने की कोशिश करेंगे, जैसे दो ग्लास बॉल्स होती है, यानी कि कांच की बॉल्स को यदि हम आपस में टकराएं, जब वो कोलाइड करेंगे तो ऐसे जो कोलिजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। बहुत सिंपल टॉपिक है। और दो बॉल्स होती है, आइवरी बॉल्स होती है, ठीक है। तुमने देखा होगा दो बॉल्स होती है, जब हम तो छोड़ते हैं तो वो बहुत ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसको भी, ये जो बॉल्स आपस में टकराती है, तो जब इस तरह की बॉल्स टकराएंगी तो ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि दोज कोलिजन, वो कोलिजन इन विच, जिसमें क्या होता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व, यानी कि जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है, वो नहीं बदलता, बट उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व आर कॉल्ड सच ए कोलिजन आर कॉल्ड द इन इलास्टिक कोलिजन। फिर समझ लीजिए कैसे इन इलास्टिक कोलिजन कैसे समझेंगे। देखिए, इस तरह से समझेंगे, मैं यहां पे क्लैप करता हूं, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लैप किया, तो ये जो मैंने क्लैप किया, ये क्लैप करने के बाद क्या हो रहा है कि यानी कि दो बॉल ये टकराई है दोनों चीजें आपस में, तो इसमें जो मैंने अपनी एनर्जी को इसमें क्लैपिंग करने में वेस्ट किया, वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि मेरा जो ये हैंड है जहां पे मैंने इसको ऐसे स्लैप किया, तो देखिए स्लैप करने से ये टेम्परेचर यहां का चेंज हुआ होगा। तो जब इस जगह का टेम्परेचर हुआ है और कुछ साउंड भी आई है, तो जो साउंड आई है, तो यानी कि जो मैंने वर्क किया है इसको क्लैप करने के लिए, जितना एनर्जी वेस्ट किया है वो एनर्जी दूसरी फॉर्म में, जो इसका काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? आपका हीट एनर्जी में और आपका साउंड एनर्जी में। तो सच ए कोलिजन आर कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम नहीं बदलता, बट काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलास्टिक कोलिजन में अपीयर्स इन सम अदर फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म्स में बदल जाती है, जैसे एनर्जी जो है दैट सीम्स चेंज इनटू द हीट और साउंड एक्सेट्रा, इनमें बदल जाती है। तो बहुत सीधा सा है। तो इन इलास्टिक के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब कोलिजन होता है बॉडी का, तो मोमेंटम्स ऑफ द सिस्टम आर कंजर्व, वो कंजर्व रहते हैं, वो नहीं बदलता, यानी कि मोमेंटम नहीं बदलता, लेकिन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, जैसे साउंड एनर्जी और आपका हीट एनर्जी बदल जाती है। अब थर्ड जो है हमारे पास है, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमें ऐसा करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है और ये इसके अंदर हमने यहां से इसको छोड़ा, राइफल से या बंदूक से इसको हमने छोड़ा, और यहां पर हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, यहां पर हमारे पास क्या है वुडन ब्लॉक। तो अगर हम इसको यहां से छोड़ते हैं, यानी कि बुलेट को यदि हम यहां से छोड़ देते हैं, तो ये बुलेट विल पेंट्रेट दिस, इसके अंदर जाएगी और जाने के बाद इसके अंदर इट विल एम्बेडेड इन इट, ये इसके अंदर ऐसे समा जाएगी। अब क्या होगा कि ये हमारी बुलेट थी, ये वुडन ब्लॉक था, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक लकड़ी का एक टुकड़ा है, जब ये इसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे तो ये जो है इसका मोशन टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में इसका एक वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि ये यहां स्टेशनरी पोजीशन में था, यहां से मोशन से एक बुलेट आई, उसने इसको टकराया और इसके अंदर एंटर कर गई और इसे चिपक गई, स्टिक हो गई और इसको आगे की तरफ ले गई, तो ये बी वेलोसिटी से इट विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसको क्या कहेंगे, दोज कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टूगेदर, क्या होगा स्टिक टूगेदर आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद, एंड दे मूव
बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड देन मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, ये कॉमन वेलोसिटी से आगे की तरफ चलने लगते हैं, आर कॉल्ड द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप बात समझने की कोशिश करें, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बुलेट को छोड़ेंगे वो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगी और क्या होगा, ये कॉमन वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी और एक साथ मूव करेगी, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी से स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा जो मड होती है, when mud thrown on the wall तो sticking to it, जब हम कीचड़ को किसी चीज गारे को अगर हम दीवार पर फेंक के मारते हैं, वॉल पे मारते हैं, तो that will stick to the वॉल से चिपक जाएगा, तो उसी चीज को हम बोलेंगे perfectly inelastic collision। तो आज की वीडियो में इतना ही, like and share my videos, subscribe my channel, we will see in the next video।